बात करेंगे बेनिफिट क्या है। देखिए हम लोग को अब अपॉइंटमेंट नहीं लेना होगा ज्यादा, पहले हम लोग को जो बैंक बैलेंस दिखाना होता था वो नहीं दिखाना होगा, और बहुत कि 2 दिन में हम लोग को शेंगेन वीजा मिल जाएगा। शेंगेन वीजा को यूरोपियन वीजा भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनोमैटिक। होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक है ना वो मैं आपको बताने वाला हूँ शेंगेन वीजा के हवाले से। ये एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? शेंगेन वीजा लॉन्च करने वाला है ई वीजा। तो आप सोच रहे हैं क्या ये इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए वैलिड है? जी बिल्कुल वैलिड रहेगा ये वीजा हम सबके लिए। और मैं आपको बेनिफिट बताने वाला हूँ क्या क्या है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा और फीस कितना है। तो आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा अपडेट लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, बात करेंगे बेनिफिट क्या है। देखिए हम लोग को अब अपॉइंटमेंट नहीं लेना होगा ज्यादा, पहले हम लोग को जो बैंक बैलेंस दिखाना होता था वो नहीं दिखाना होगा, और बहुत स्मूथ और फास्ट प्रोसेस रहेगा इसका, और 95% बोला जा रहा है इसका सक्सेसफुल रेट रहेगा, मींस ई वीजा का, शेंगेन वीजा का। पहले क्या होता था, लोग वीजा देते थे ठीक है, और उनका मूड रहता था तो वो अप्रूव कर देते थे, अगर मूड नहीं रहता था ठीक उनका तो वो रिजेक्ट भी कर देते थे। पर इलेक्ट्रॉनिक में क्या रहेगा, आपका डॉक्यूमेंट अगर सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, तो आपको वीजा 2 दिन के अंदर में मिल जाएगा। आपको अब 60 डेज या 90 डेज वेट नहीं करना होगा शेंगेन वीजा के लिए ठीक है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव वाइब आ रहा है एज अ ट्रैवलर कि 2 दिन में हम लोग को शेंगेन वीजा मिल जाएगा। शेंगेन वीजा को यूरोपियन वीजा भी कहते हैं। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। यहाँ सबसे पहले आता है पासपोर्ट, उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 3 मंथ होनी चाहिए ठीक है। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज फोटो, इसमें आपको व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, 35 to 45 mm फोटो का साइज होना चाहिए। नेक्स्ट है शेंगेन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप सही से फिल कीजिएगा। नेक्स्ट है कवरिंग लेटर, ये मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ मीन्स कवरिंग लेटर पे, अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके चेक कर लें, बहुत इजी वे में बताया हूँ, बस आपको डेट और जगह चेंज करना है। नेक्स्ट है ट्रैवल इंश्योरेंस, आपको यहाँ 30,000 यूरो का ट्रैवल इंश्योरेंस लेना होगा। और है होटल बुकिंग, इसमें मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाला हूँ, मीन्स सस्ता में आप कहाँ होटल बुक कर सकते हैं कोई भी कंट्री में ठीक है, और आप फ्री कैंसिलेशन रहेगा, 1 रुपया नहीं लगने वाला। नेक्स्ट है अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस लेटर लेना होगा। नेक्स्ट आता है अगर आप रिलेटिव या फ्रेंड के पास जाना चाहते हैं तो उनका भी डॉक्यूमेंट लगेगा। उनका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। पासपोर्ट लगेगा, बैंक स्टेटमेंट लगेगा, इन्विटेशन लेटर या फिर कवर लेटर लगेगा, रेसिडेंस परमिट लगेगा कॉपी, देन आपका बिल का कॉपी लगेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक बिल हो, वाटर बिल हो या फिर कौन से टैक्स हो। नेक्स्ट है पे स्लिप लगेगा, लास्ट है ITR लगेगा। अब बात करेंगे कि एम्प्लॉयड को क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। HR का लेटर लगेगा, 3 मंथ का सैलरी स्लिप लगेगा, 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगेगा, और ITR लगेगा उनका भी 3 साल का। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका क्या क्या लगेगा, देखिए सबसे पहले लगेगा 3 मंथ का बिजनेस बैंक स्टेटमेंट, देन आता है GST लगेगा विथ NX A&B, देन आता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, और लास्ट है पर्सनल एंड कंपनी दोनों का ITR फाइल 2 साल का। अब आता है स्टूडेंट लोग के लिए क्या लगेगा, लीगल गार्जियन का 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा और उनका पासपोर्ट लगेगा, चाहे वो मदर हो या फादर हो। स्कूल या कॉलेज से लेटर लगेगा, अगर स्कूल में है तो प्रिंसिपल से लगेगा, कॉलेज में है तो प्रोफेसर से लगेगा। अब बात करेंगे रिटायरमेंट वाले लोग के लिए क्या लगेगा, पर्सनल पेंशन बैंक स्टेटमेंट लगेगा, वो भी 3 मंथ का, ज्यादा नहीं। अब बात करेंगे फीस कितना लगेगा, अब आप सोच रहे होंगे कहीं फीस बढ़ तो नहीं गया है ई वीजा आ रहा है तो, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अडल्ट के लिए लगेगा 80 यूरो, जो इंडिया में होता है 7,300 कुछ रुपीज, अप एंड डाउन होता रहता है ठीक है। चिल्ड्रन के लिए लगेगा, जो 6 से 12 साल के हैं उनके लिए लगेगा 3,600 कुछ रुपीज, और जो 6 साल से नीचे हैं उनका 1 रुपया नहीं लगेगा, 0 रुपीज। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके पास कैनेडा, USA या फिर UK का वीजा है तो उसको आप अटैच कर दीजिएगा, आपके लिए ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग साबित होगा वीजा मिलने में। ये थी कंप्लीट डिटेल, होप आप सबको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।